If you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. हम कहां पर पैदा होते हैं वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं. जब हमारे हाथ में नहीं है तो इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है. But if you die poor, it's your mistake. कि अगर हम गरीब मरते हैं तो वो हमारी गलती है. गलती क्या है इसके अंदर? आराम से समझते हैं, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि इट्स योर मिस्टेक, बट इसमें गलती क्या है? हो सकता है वो एक गरीब घर में पैदा हुआ और पूरी जिंदगी उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी एंड तक वो गरीब ही रहा. तो इसमें उसने गलती क्या करी? उसने तो बहुत मेहनत करी, बहुत हार्डवर्क किया, उसने कोशिश करी, फिर भी वो गरीब ही रहा. तो इसमें गलती क्या थी? उसने सीखने की कोशिश नहीं करी उन लोगों से जो ऑलरेडी अमीर थे या अमीर है, कि अमीर कैसे होते हैं. बस ये गलती करी और कोई गलती नहीं करी. इंसान के पास में एक पावर है जो जानवरों के पास में नहीं है. वो पावर क्या है? द पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ लर्निंग. कि इंसान सीख सकता है. किससे सीख सकता है? दूसरों से सीख सकता है. दूसरों की गलतियों से भी सीख सकता है और दूसरों ने जो सही किया उससे भी सीख सकता है. तो अगर इंसान ये ही ना करे, वो सिर्फ इतना सा ना करे, यानी कि वो सीखे नहीं और खुद ही पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करता रहे, ये उसकी गलती है. क्योंकि किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं. एक ये कि आप खुद गलतियां करो और उससे सीखो, जिसको आप हार्डवर्क कह सकते हो. दूसरा कि दूसरे जो गलतियां कर चुके हैं उससे आप पहले ही सीख जाओ और वो गलतियां ना करो और जो उन्होंने सही किया वो करो. तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं. अब क्यों नहीं सीखते हैं लोग? कभी सोचा है? कभी समझने की कोशिश करी है? लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? नंबर वन, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है. अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं. उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं. और उसको जितने भी डायलॉग सुनने को मिलेंगे सुबह से रात तक, वो सारे ऐसे ही होंगे जो इसी बात को और पक्का करते चले जाएंगे और रीइंफोर्स करते चले जाएंगे कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ. मतलब क्या? कि अगर आप गरीब हो तो गरीबी में ही गुजारा करना सीखो. अपनी चादर को बड़ा मत करो, हवा में मत उड़ो, अपने पैर हमेशा जमीन पर रखो, बड़े बड़े सपने मत देखो. कोई भी आदमी अमीर या गरीब बाद में होता है बाहर की दुनिया में, पहले वो अंदर अमीर या गरीब होता है. इनफैक्ट किसी का भी आप एग्जाम्पल उठा करके देख लो जो बिल्कुल ही एक नीचे के लेवल से उठ करके पता नहीं कहां किस लेवल पे गया है. फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी, उनकी अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो बहुत ही एक छोटे लेवल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, लेकिन उसको पता नहीं कहां का कहां ले गए. वो बाद में अमीर हुए, लेकिन पहले ही अपनी सोच के लेवल पे वो अमीर थे. यानी पहले वो सोच के लेवल पर अमीर हुए, बाद में बाहर अमीर हुए. ऐसा ही सबके साथ होता है. पहले हम अंदर से अमीर होते हैं, बाद में बाहर अमीर होते हैं. अब अंदर से अमीर कैसे होते हैं और अंदर से गरीब कैसे होते हैं? अगर अंदर ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में जाएंगे जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो थॉट्स हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो वो हमको गरीबी की तरफ ले जाएंगे. और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जहां से आपका दिमाग खुलता है और आप कहते हो कि अच्छा, ये पॉसिबल है कि ये आदमी मेरे से भी एक नीचे वाले लेवल से उठ करके इस लेवल पे पहुंच गया, इसका मतलब इसके लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी पॉसिबल है. तो ये थॉट्स आपको अमीरी की तरफ ले जाते हैं, एट द लेवल ऑफ योर थॉट. अब पहले आदमी यहां अमीर होता है, बाद में बाहर अमीर होता है. बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले यहां गरीब होता है, बाद में बाहर गरीब होता है. तो ये गलती करी उस इंसान ने. उसको सीखना चाहिए था, उसको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए थी. फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. ये बुक कैसे लिखी गई थी? आज से बहुत साल पहले लिखी गई थी. जो ऑथर है वो गए और जा करके मिले ऐसे बहुत सारे लोगों से जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ में अचीव किया है, और उन सब के अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स को नोटिस किया, कुछ ऐसी बातें नोट करी जो हर उस इंसान में थी जो गरीब से अमीर हुआ, और वो सब जो सीखा उसको उस बुक में उतार दिया. कई साल लगे उनको ये रिसर्च करने में और ये बुक को लिखने में, और कुछ घंटे लगने थे ये बुक पढ़ने के लिए, लेकिन 99% लोग नहीं पढ़ते. ये गलती उन्होंने करी. ये जो बुक नहीं पढ़ी, ये गलती करी. क्योंकि वो खुद जा करके नहीं मिल सकते उन लोगों से जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है, क्योंकि उनके घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाएगा उन लोगों को, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है. ये बात सच है, लेकिन उनकी बुक तो पढ़ सकते हैं. सोचो, उस बुक से तो सीख सकते हैं. डायरेक्टली उन लोगों से नहीं मिल सकते जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, बट इनडायरेक्टली इस बुक के थ्रू तो मिल सकते हैं.
उनकी थिंकिंग को समझ सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक आदमी की थिंकिंग कैसी है, ये कि ऐसे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग में क्या कॉमन है, वही तो समझना जरूरी है ना। एक्सेप्शंस को समझना जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस को समझने का मतलब क्या कि किसी आदमी की लॉटरी लग गई और वो अमीर हो गया, उसकी बात नहीं करी जा रही इस बुक में। क्या बात करी जा रही है, बिल्कुल ही एक नीचे के लेवल से शुरू किया और पता नहीं कहां पहुंच गए, ये कहा जा रहा है उस बुक में। ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो लिखी जा चुकी है। अगर कोई आदमी इन सारी बुक्स को पढ़े तो एक बात तो पक्की है, ये पक्का नहीं है कि वो अमीर होगा या नहीं होगा, एक बात तो पक्की है कि उसकी थिंकिंग चेंज होगी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, अंदर से उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। एंड यू कैन से दैट हाफ ऑफ द जॉब इज डन वंस द थॉट प्रोसेस इज चेंज्ड। आधा काम हो गया, अब बाकी आधा काम उसको खुद करना है। यानी सिर्फ थिंकिंग से भी तो कुछ नहीं होता है ना। बुक को पढ़ लिया ठीक है, थिंकिंग के लेवल पे वो पता नहीं क्या बन गया, बट प्रैक्टिकली तो एक्शंस लेने ही पड़ेंगे ना, प्रैक्टिकली रिस्क लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो तो उसी को करना है। बट दोनों का अपना रोल है, बिना एक के दूसरा नहीं हो सकता। नॉलेज तभी काम की है जब उसको एक्शन में लाया जाए। तो सीखा तो सही लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई नहीं किया, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, अप्लाई भी किया, यानी जो सीखा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया, लेकिन जब अप्लाई किया तो नहीं सीखा कि अप्लाई कैसे करते हैं। दो चीजें सीखनी पड़ेगी, एक थिंकिंग के लेवल पे पहले आपको अमीर होना होगा यानी पॉसिबिलिटीज को देखना होगा, दूसरा कि प्रैक्टिकली एक काम को कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको अलग तरह की बुक्स चाहिए, उसमें यह बुक काम नहीं आएगी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक कहां पर काम आएगी, आपकी थिंकिंग को एक्सपैंड करने के लिए, कि अभी जो आपकी थिंकिंग में ये बैठा हुआ है बचपन से, जैसे एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि आपकी थिंकिंग में ये आने लग जाएगा कि नहीं जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, आपके अंदर से ये आने लग जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो करना है वो सीखना तो पड़ेगा ना। तो अब अगर प्रैक्टिकली आपको कोई काम करना है तो उसके लिए अलग तरह की बुक्स है। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच आपको मार्केटिंग नहीं सिखाएगी कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, अरे तो मार्केटिंग तो सीखो, मार्केटिंग के लिए एक अलग बुक है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर फॉर एग्जांपल। और ऐसी मार्केटिंग के ऊपर और बहुत सारी बुक्स हैं। तो मार्केटिंग को अलग से सीखना पड़ेगा, कि अगर आपने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट बना भी लिया या कोई बहुत अच्छी सर्विस आप दे भी रहे हो लेकिन किसी को पता ही नहीं है तो क्या होगा, कोई वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, फिर आप कहोगे मेरा बिजनेस फेल हो गया, अरे तो मार्केटिंग तो सीखो। और लोगों को क्या लगता है कि अगर हमको मार्केटिंग सीखनी है तो हमको जाकर के MBA करना पड़ेगा मार्केटिंग में, तभी हम मार्केटिंग सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं, वहां से हम खुद पढ़ करके सीख सकते हैं। कितना डीपली आप सीख सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो कोटेशन में कहा जा रहा है इसमें तीन तरह की गलतियां होंगी। पहली गलती कि सीखना ही नहीं, दूसरी गलती कि सीखना लेकिन कभी भी एक्शन नहीं लेना, तीसरी गलती एक्शन तो लेना लेकिन वो एक्शन गलत डायरेक्शन में, बिना सीखे एक्शन लेना, या जिस फील्ड में आप एक्शन ले रहे हो उस फील्ड को बारीकी से ना समझना, ये गलती होगी।